अपने ना घर का थोड़ा सा विजिट कराएं। तो घर का इनको जी टीवी लगा देती हूँ और साथ में इनके लंच ब्रेकफास्ट। अब मौसम ज्यादा बारिश का हुआ हुआ है, एक चीज ना समेटने वास्ते पहले 10 दिन। अस्सलाम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुश बाश होंगे। तो जी अभी जो है ना 2:45 का टाइम हो चुका है और थोड़ी देर तक मैंने बच्चों को लेने के लिए जाना है, तो मैंने सोचा की थोड़ी सी जो है ना वीडियो रिकॉर्ड कर लो। सुबह जी मैं 6 बजे उठ जाती हूँ, उठने के बाद बच्चे को तैयार शैर करना होता है, तैयार शैर करके बच्चे को भी साथ ही नीचे ले आती हूँ। इनको जी टीवी लगा देती हूँ और साथ में इनके लंच ब्रेकफास्ट, अपने हस्बैंड का ब्रेकफास्ट लंच जो है ना तैयार करना शुरू हो जाती हूँ। और मैं क्या करती हूँ जी कि सब चीज़ें जो है ना एक ही दफ़ा रख लेती हूँ, जो जो मतलब फ्रूट्स चाहिए, जो जो वेजिटेबल चाहिए, इनके लंच बॉक्सेस, इनकी बॉटल्स, जूसेस, मतलब जो भी उस टाइम के लिए चाहिए ना, मैं एक ही दफ़ा सब कुछ रख लेना है। क्योंकि मेरे को ना इधर दियाँ उधर चीज़ बना दिया, फेरियाँ नहीं लाई जाती, जिन्नी बारी मैं फेरी लावगी उन्नी बारी जो है ना मिर्जे वाजे पड़ेंगी, तो इसलिए मैं एक ही दफ़ा सारा कुछ रख के फिर ऐसे तैयार करके जी फटाफट जो है ना फिर बॉक्सेस जो बंद कर देती हूँ। एक ही दफ़ा मैं उसमें भी सारा डिवाइड करके ना बॉक्सेस में डाल देती हूँ। वीडियो का रिकॉर्ड करनी है आपको, थोड़ा सा दिखाती हूँ। काफ़ी लोग जो है ना कमेंट आ रहे थे कि अपने ना घर का थोड़ा सा विज़िट कराएं, तो घर का विज़िट तो नहीं अभी करा सकती, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ अपने लिविंग एरिया, जो सिटिंग एरिया उधर का, कि हम लोगों ने किधर किधर से चीज़ें ली हैं, कौन कौन सी और कैसे इसको डेकोरेट। ये जी हम लोगों का जो मेन सिटिंग एरिया है ना ये वाला है, तो इसका हमने कम्बिनेशन किया था ब्लैक और ग्रीन के साथ। ये वीडियो में जो है ना नहीं आ रहा इतना ठीक, लेकिन ये जो है ना डार्क ग्रीन वेलवेट का सोफ़ा है, इसके ऊपर ये पर्पल जो ये पर्पल कलर का हमने ये बिछाया है कि जो गंदा वगैरह ना हो, क्योंकि गंदा हो जाना तो मुश्किल होता साफ़ करना। ये जो कुशन है ना ये मैंने ऑनलाइन कवर मंगवाए थे, कुशन जो है ना वो पहले के थे। और इस कॉर्नर की तरफ चलते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ, ये जो है ना सारी तकरीबन जो है ना 50% जो है ना एक्शन है, जो एक्शन शॉप है उधर से ये मैं लेके आई थी प्लांट वगैरह, और ये भी जो उधर से, ये जो है ना हमें किसी ने, मेरी सास ने दिया था। उसके बाद ये जो है ना मैंने एक इधर और शॉप है उधर से लिया हुआ है, मुझे भूल गया किधर से लिया हुआ है, सेनॉक्स शॉप है या पता नहीं कौन सी है, हाँ जी उधर से लिया। और ये जो कैंडल्स है ना ये मेरी नंद ने बनाई थी, तो उसने हमें दी, ये भी मैं एक्शन से लाई। और ये जो है ना हमारे स्पीकर हैं, और ये जो है ना कैंडल्स, ये रिचुअल्स की हैं, तो ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था, उसमें से निकली थी, तो मैंने ना इधर रख दी। ये देखा थोड़ी थोड़ी डस्ट पड़ी हुई है। अच्छा, तो ये जो पूरी अलमारी है ना ब्लैक कलर की, ये वाली हमने ली मंगवाई थी अमेजोन से। अब चलते हैं जी इस साइड पे। ये जो पेंटिंग्स है ना ये मेरे हस्बैंड ने खुद बनाई थी, खुद ही उन्होंने ना इसको सारा प्रिंट आउट किया, खुद ही ये डिज़ाइन बनाया था, कुछ मतलब इंटरनेट से लेके ना उन्होंने खुद ही वेबशॉप से ये सारा बनाया था, तो प्रिंट करवा के हमने। फिर इसके ये जो ग्लास और फ्रेम है ये लेके आए थे, तो फिर हमने खुद लगाया। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी तो उसमें आपको पता चलेगा कि हमने खुद ही ना ग्लासेस में ये फ्रेम में लगा के तो सेट की थी। बाकी एक इस कॉर्नर में ये कॉर्नर डेकोरेशन लगी हुई है, और एक इस कॉर्नर में है। इस वाली की तरफ भी चलते हैं, ऊपर वाली चीज़ें जी वो भी एक्शन से हैं, और एक कैंडल जो है ना वो नीचे गिर गई हुई है, और थोड़ा सा जो है ना इसको हमने डेकोरेट किया हुआ है, मतलब जितना इतना जो ज़्यादा जो होता है ना रश वो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि एक तो सफाई का बहुत मसला होता है, रश होना तो चीज़ें जो है ना फिर ज़्यादा जो है ना अच्छी नहीं लगती हैं मुझे। नफासत के साथ थोड़ी थोड़ी चीज़ें होना तो बहुत प्यारी लगती हैं। एक कैंडल वाई ओ पीछे डिगी जी नज़र आई जे ओहो। तो इस एरिया को ना हम लोग जब कोई आए ना तो फिर यूज़ करते हैं वैसे बच्चों के बैठने के लिए। और जो है ना ये वाला जो सोफ़ा है ये हमारे पुराने घर का पुराना सोफ़ा था, तो ये अभी हमने रखा हुआ है, तो इसको अभी सेल आउट नहीं किया। बाकी ये फ्रोज़ का बॉक्स है, तो अब वो इस बॉक्स में नहीं जाता, अगर जाता है तो बाहर निकल आता है। और ये बच्चों का जी हमने प्लेइंग एरिया बनाया हुआ है, जिसको हम जो है ना रोज़ाना साफ़ करते हैं, और रोज़ाना इधर गंद पड़ा होता है, तो आज मैंने कोई नहीं किया कि थोड़ी देर तक आ जाएंगे वो, और फिर से जो है ना सफाई वगैरह जो है ना खलारा फिर से पार जाना है। ये भी फ्रोज साहब खेल रहे थे, तो वो अपनी चीज़ें बखेर के गए हैं। और बाकी जो है ना ये टाइम हो चुका है 1:45 का, और मैं तकरीबन 2:30 बजे के करीब जो है। और कल जी हम लोग जो कौंसल हाउस में गए थे, उधर से ना बच्चों को ये बैग मिले थे, कुछ चीज़ें तो इन्होंने निकाल ली हैं, एक ही ये पेंटिंग थी, उसके साथ इन्होंने ये कलर रखे हुए थे कि बच्चे जो है ना पेंटिंग करें, उधर भी इन लोगों ने रखे हुए थे लेकिन ये गिफ्ट्स थे। और ये जो है ना जैसे हमारे बाहर घर के बाहर बड़े बड़े डस्टबिन है ना, ये उन डस्टबिन के ना छोटे छोटे से ये देखे चिच्चू मिच्चू से ना ये इन्होंने बना के
तो मेरे तीनों बच्चों ने एक एक फिर लिया था, तो एक ने ग्रीन लिया है, ये ऑरेंज है, ये प्लास्टिक का होता है, ब्लैक जो है ना वो उसमें आप दूसरा जितना भी घर का पैम्पर वगैरह इस तरह का कूड़ा जो है ना वो डाल सकते हैं, और ग्रीन है उसमें आप प्लांट वगैरह और फूड वगैरह को जो है ना वो डाल सकते हैं। इधर जी हम लोग बनाने लगे हैं कबाब। कबाब बनाने के लिए मैंने लिया सी कबाब का मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च ली है, थोड़ा सा नमक लिया, और ये पापड़िका लिया, मतलब कि ये लाल मिर्च नहीं है, सिर्फ पाउडर है, और ये ब्रेड लिया और एक प्याज लिया। आप इस ब्रेड के मैं क्रम्स बना लूँगी और इस प्याज को मैं क्रश कर लूँगी, और अंडा। इंग्रेडिएंट की मैं एक दफ़ा आपको, ये वाला जो प्याज लहसुन है ना, ये किसी और खाने के लिए है, तो इसकी मैं फ़ोटो बना के ना तो इस पे ज़रा करती हूँ कि आप लोग जो है ना, और कीमा तकरीबन एक पाव के करीब होगा। प्याज मैंने जी क्रश करके डाल दिया, क्रश नहीं थोड़ा सा उसको मैंने ग्राइंड किया था चॉपर में, तो अब ये ब्रेड क्रम्स जो आ रहे हैं, अंडा भी डाल दिया, ब्रेड क्रम्स भी डाल दिए, प्याज, अब ये जाने लगा है। ये रेसिपी आप ईद पे भी बना सकते हैं जी, ईद के लिए बहुत ही मज़े के ये कबाब होते हैं, अगर आप तुहाडे घर वाले खाएंगे ना और कहेंगे बाड़ बाड़ बनाओ। तो जी ईद पे ये बनाया है, अब तो जी गोश्त वाली ईद आने वाली है, तो इसमें थोड़ा सा जो मसाला डालूंगी, मैं ज़्यादा मसाला नहीं डालती हूँ क्योंकि इसमें भी पेपर होती है, तो मेरे बच्चे अभी पेपर नहीं खाते हैं, तो मैं बिल्कुल थोड़ा सा डालूंगी, तो आपके घर वाले जैसे पेपर खाते हैं ना उसके मुताबिक आप डाल लें। चलो जी हम इन चंगी तरह मिक्स कर लेना, मेरे को स्टैंड नहीं है, नहीं तो मैं ला के इन मिक्स कर दी, तो और धनिया, हरा धनिया आप डाल लें, मेरे पास इस टाइम अवेलेबल नहीं है हरा धनिया, तो हरे धनिए की जगह पालक भी डाल सकते हैं बड़ी कटी हुई, तो बहुत ही अच्छे जो है ना कबाब तैयार हो जाते हैं। ये देखें ऐसे मिक्स कर लेना है, हिलदा होना है मेरा कैमरा पिया, लेकिन हैर चलो जी, अब इसको थोड़ी 2-3 घंटों के लिए फ्रिज में रख दूंगी, कुछ ज़रूरत नहीं है, उसी टाइम ही आप बना सकते हैं, लेकिन इस टाइम अभी मैंने खाना नहीं बनाना, तो मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी जी। फ्रेश पेपर लगा के जी मैंने इसको फ्रिज में रख दिया, मेरी वीडियो नहीं बनी है तो फिर मैं दोबारा बनाई है। अभी हम लोग जी तैयार श्यार होके तो बच्चों को लेने जा रहे हैं, मौसम जाना बारिश का हुआ हुआ है, लेकिन पता नहीं कि बारिश होती है कि नहीं। मैं अभी जी इनको स्कूल से लेके आई हूँ, और ये जो है ना खेल रहे हैं बाहर स्टेप के साथ, ये देख बच्चों के साथ लाइफ ऐसी है कि बच्चे घर आते हैं ना तो मेरा दिमाग ना छोमा हो जाता है। कोई समझ में नहीं आता क्या करना है, मिर्च पकड़नी हो तो गरम मसाला पकड़ती हूँ, चीनी पकड़नी हो तो नमक पकड़ती हूँ, ये हाल होता है। मैं इनके लिए जी वाटरमेलन बनाने लगी हूँ, ये बाहर जो है ना उधम मचाया हुआ है इन्होंने, ये देखें कोई बाल्टियां लेके दौड़ रहा है तो कोई कुछ, तो इधर मैं इनके लिए वाटरमेलन बना। बच्चों को बाहर गार्डन में थोड़ी देर खेलने के बाद फिर मैंने इन्हें क्या हूँ तुम अंदर आओ तो टीवी देखो, क्योंकि जब बच्चे बाहर होते हैं ना तो फिर मुझे बाहर जाना इनको साथ साथ देखना पड़ता है, और मैं कॉन्स्टेंटली जो है ना कोई काम नहीं कर सकती हूँ। तो इतने जी मैं बना लगी सा आलू पालक, ये जो है ना डिफरेंस पालक इधर से मिलती है, आलू मैंने काट लिए थे, लहसुन प्याज काट के, तो मैंने इसको हल्का सा ब्राउन किया, साथ ही जी मैं थोड़ी देर टमाटर के नाल ही जी है मसाला, नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च, हल्दी, लाल मिर्च बस जो है ना वो पाउडर होता है, मैं लाल मिर्च का यूज़ बिल्कुल नहीं करती, कितने अन्या समझ के ना सुट ना लइयो खा ना लइयो। फिर जो है मसाले में भी माड़ा जहाँ तुम्हें तड़का ला लेना, मतलब इसको भी हल्का सा जो है ना हिला के, इसमें मैंने आलू काटे हुए थे वो डाले, और फिर जी इतनी पालक डाली तो फिर जी इन्हें थोड़ी देर पकन दिता, तो पालक डाल दें उस तो बाद जो है ना मैंने सोचा था कि जब मैं कबाब फ्राई करूँगी ना तब आपको साथ दिखाऊंगी कि इनको कैसे फ्राई करना है, लेकिन जो है ना मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं था मिला, तो जी तुम्हें कबाब बनाने वास्ते कोई बरीक जी डोई लैनी है या कोई नूडल्स खाने वाली जो स्टिक होती है ना बरीक सी वो लेनी है, उसके इर्द गिर्द आपने मीट लगाना है, और मीट लगाने के बाद जी आपने गर्म ऑयल जो है ना फ्राई पैन में उसमें डालना है, एक साइड से पकाना है, दूसरी साइड से, तीसरी साइड से, चौथी साइड से, इस तरह जी थोड़े कबाब जो तैयार हो जाने, तो फिर तुम आप ही भी थोड़ा बहुत कुकिंग का आइडिया ही होना, हूँ सारा कुछ मैं देना ना तुम सिखाना। तो जी इतने फिर खाना खाने बाद जो मरखला आता ना सफाइया करने का, वह तो मैं जो है ना कोई वही भी लगता जो कोई जहर, ये जो है ना ये पक्के जम गए हुए हैं, ये उतरते नहीं है जब तक कोई लोहे की तार ना मारो, ए ना समझी हूँ मैं फिर नहीं सही साफ करती, कोशिश मैं बथेरी करनी है, देखें जो साफ करती हूँ साफ हो ही जाता, जरा नहीं होंगे उन्होंने फिर की करना, जब किसी दिन छुट्टी वाले दिन फिर कर लेती हूँ अगर टाइम ज़्यादा हो तो। जी ये देखें
अभी इस ये वाला हिस्सा करना है, बर्तन अभी धोए हैं सारे मैं करके, तो फिर आपको एक दफ़ा जो है ना तो चेक करावांगी, वेखियो सही साफ है किचन के। जी मैंने लश्कारे जो है ना मार दिए हैं, सफाई शफाई कर लिया, ये अपना अपना मैंने इधर रखा है, थोड़ा ड्राई हो जाए। अब जी मैं बाहर वाला जूता पहनने लगी हूँ और जाने लगी हूँ बाहर, क्या करने जाने लगी हूँ ये आपको दिखाती हूँ। बच्चे जब बाहर खेलते हैं ना तो सारी चीज़ें ये देखें अदम मचा जाती हैं, इनकी ये सारे स्टेप्स वगैरह जो है ना वो अंदर रखने हैं। अब मैं ये साइकिल स्टेप्स वगैरह जो है ना अंदर रखती हूँ, इसको पहले खोलते हैं, इत्थे रखने जी असी स्टेप स्टेप भी। एक चीज़ को समेटने वास्ते पहले 10 ते और समेटो, फिर भी तो और समेटी जाती है भाई। ये जी इधर मैंने अब रख दी है, अब दरवाज़ा को करते हैं बंद। ये जो अब इनका गंद गुंद रहना है इनू मैं को इधर से भी जी माड़ी मोटी सारी चीज़ें समेट ली, अब मैं अंदर जाने लगी हूँ। अपने लिए मैं बनाऊंगी लतई मचीतो, तो अब इसको करते हैं जी ओके ओके।